हेलो स्टूडेंट, तो जैसा कि आप जानते हैं कि बेटे हमारे लेसन 9 कंप्लीट हो चुके हैं, आज हम लेसन 10 करेंगे। तो लेसन 10 का नेम क्या है? हाउ डज़ इट ग्रो। हाउ डज़ इट ग्रो कि ये कैसे बढ़ते हैं। ठीक है बेटे, सेरेल्स के बारे में है, कुछ अनाज के बारे में है कि ये कैसे बढ़ते हैं, उसके बारे में हम ये लेसन पढ़ेंगे। देखो क्या है स्टार्टर की, लुक एट दिस प्लांट्स, इन पौधों को देखो। कैन यू नेम देम, कैन यू नो अबाउट देम, डिस्कस विद योर पार्टनर। तो इनके बारे में आप क्या जानते हो, ये सारी चीज़ें आप अपने दोस्त के साथ शेयर करोगे। तो क्या है, नाउ गेट सेट, आप इसके अब हम स्टार्ट करते हैं। राइस, मेज एंड व्हीट आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फूड। जो राइस, राइस कहते हैं बेटे चावल, मेज, मेज कहते हैं मक्का, एंड व्हीट, व्हीट कहते हैं बेटे गेहूँ, आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फूड। ये सारी चीज़ें हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट, हिस्सा है ऑफ आवर फूड, हमारे भोजन का। वी कॉल दैम सेरेल्स, इन्हें हम क्या बोलते हैं, सीरियल्स बोलते हैं। ठीक है, सीरियल्स कहते हैं बेटे अनाज। दे आर द सीड्स ऑफ डिफरेंट प्लांट, ये क्या है, बीज हैं, डिफरेंट प्लांट्स, अलग अलग पौधों के बीज हैं। दीज प्लांट्स बिलोंग टू द ग्रास फैमिली, ये जो पौधे हैं बिलोंग्स टू द, बिलोंग करते हैं टू द ग्रास फैमिली, घास की फैमिली से संबंधित है। वी यूज़ सेरेल्स टू फीड आवर फार्म एनिमल्स ऑल्सो, हम वी यूज़ प्रयोग करते हैं सेरेल्स अनाज का टू फीड, फीड करने के लिए, भोजन के लिए, आवर फार्म एनिमल्स, जो हमारे फार्म पे एनिमल्स होते हैं उनको भी भोजन देने के लिए हम इन अनाजों का प्रयोग करते हैं। नाउ लेट्स सी हाउ वी ग्रो दीज प्लांट, अब हम पढ़ते हैं कि इन प्लांट्स को हम उगाते कैसे हैं। तो देखो क्या है, हाउ डज़ राइस ग्रो, ये देखो राइस का पौधा आपको दिख रहा है ना सामने, इसको हम उगाते कैसे हैं इसके बारे में मैं बताती हूँ आपको। वैसे तो बेटे जो स्टूडेंट्स फार्मर फैमिली से हैं उनको तो कि हम धान का पौधा कैसे उगाते हैं, तो देखो पढ़ते हैं। राइस इज प्लांटेड इन बिग फील्ड, जो राइस होता है वो बड़े खेतों के अंदर उगाया जाता है। वी कॉल दीज फील्ड्स पैडीज, हम इन्हें क्या बोलते हैं, इन खेतों को पैडीज, पैडीज क्या होता है, धान के खेत बोलते हैं, और राइस पैडीज, और इन्हें चावल के खेत भी बोलते हैं। दे आर फ्लडेड विद वाटर, ये पानी से भरे होते हैं। वेन द प्लांट्स आर यंग, जब ये पौधे छोटे होते हैं ये पानी से भरे रहते हैं। दे लुक ब्राइट ग्रीन, ये क्या चमकदार हरे रंग के दिखते हैं। बट वेन दे आर रेडी टू हार्वेस्ट, जब ये पक जाते हैं, दे टर्न गोल्डन ब्राउन, उसके बाद क्या हो जाते हैं, ये बदल जाते हैं गोल्डन ब्राउन, सुनहरी भूरे रंग के हो जाते हैं। द टिप्स ऑफ द प्लांट्स हैव राइस कर्नल्स, इनके जो टिप्स ऑफ द प्लांट्स, पौधों के ऊपर के सिरा जो होता है उनके अंदर क्या होता है, हैव राइस कर्नल्स, उनके अंदर चावल के दाने होते हैं। इट इज़ दीज कर्नल्स दैट वी ईट, ये वो कर्नल्स होते हैं, वो दाने होते हैं जो हम खाते हैं। पीपल इन साउथ इंडिया ईट राइस फॉर एवरी मील, जो साउथ इंडिया उत्तर भारत के लोग हैं वो राइस चावलों को फॉर एवरी मील हर भोजन में खाते हैं। सैम एंड हिज फैमिली लिव इन चेन्नई, सैम और उसका परिवार चेन्नई के अंदर रहते हैं। दे ईट राइस फॉर ब्रेकफास्ट, वो ब्रेकफास्ट के लिए चावल खाते हैं। दे ईट राइस फॉर लंच, लंच में भी चावल खाते हैं। दे ईट राइस फॉर डिनर, और डिनर में भी वो चावल खाते हैं। वी कैन मेक फ्रॉम राइस मैनी थिंग्स टू ईट, हम राइस से अलग अलग कई टाइप की चीज़ें बना सकते हैं खाने के लिए। कैन यू नेम ए फ्यू, क्या आप कईयों के नाम बता सकते हो? तो बेटे देखो, ये चावलों के पापड़ बनते हैं, और चावल मतलब चावल की सब्जी भी बना सकते हैं, और चावल से हम कितनी भी आइटमें खाने के लिए बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बेटे, हाउ डज मेज ग्रो, मेज क्या होती है बेटे, मक्की, मक्की को कैसे उगाते हैं? तो देखो क्या है, मेज इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फूड, जो मक्की है वो भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे भोजन का। वी ऑल्सो कॉल इट कॉर्न, हम इसे कॉर्न भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम कॉर्न भी है। वी ग्रो इट इन बिग फील्ड्स, इन्हें हम बड़े खेतों में उगाते हैं। फार्मर्स, जो फार्मर्स होते हैं, ग्रो द प्लांट्स, इन पौधों को रोज़ रोज़ कहते हैं बेटे, लाइनों में उगाते हैं। लिटल डिचेस आर मेड बिटवीन द रोज, छोटी छोटी खालियाँ जो हैं वो बनाते हैं बिटवीन द रोज, रोज़ के अंदर अलग अलग मतलब छोटी छोटी खालियाँ बनाते हैं रोज़ के लाइनों के अंदर। वाटर इज पम्प्ड इन टू द डिचेस टू रीच एवरी प्लांट, तो इन डिचेस में, इन खालियों में क्या होता है, इन नालियों में पानी लगाते हैं जो कि हर एक पौधे तक पहुंच जाता है। एज द प्लांट्स ग्रो, जैसे ही पौधा बड़ा होता है, कॉक्स बिगिन टू अपीयर ऑन द स्टाल्स, स्टाल्स क्या होता है, देखो ये ऊपर दिख रहे हैं ना आपको, तो हर एक पौधे के ऊपर क्या होता है बेटे, कॉब, मक्की आनी शुरू हो जाती है। वन और मोर देन वन कॉब, एक या एक से अधिक मक्की कैन ग्रो ऑन ईच स्टॉल,
हर एक तने पे बेटा क्या होता है, एक या एक से अधिक मक्की भी लगती है। व्हेन द कॉब्स आर राइप, जब जो मक्कियाँ होती हैं पक जाती हैं, दे हैव ऑन देम लवली रोज ऑफ येलो ग्रेन्स, उनके ऊपर क्या होता है एक लवली रोज, प्यारी प्यारी लाइनें बन जाती हैं ऑफ येलो ग्रेन्स, पीले रंग के एक अनाज की प्यारी प्यारी लाइनें बन जाती हैं। वी कैन यूज़ दीज ग्रेन्स फॉर आवर फूड, इस अनाज का हम क्या करते हैं, इन अनाजों का हम अपने भोजन के लिए यूज़ करते हैं। वी कैन ग्राइंड देम इनटू फ्लोर टू मेक चपातीस, हम इनको ग्राइंड करते हैं, पीसते हैं, देम इनटू फ्लोर, आटे में बदल जाती हैं, टू मेक चपाती, जिससे क्या हम चपाती बनाते हैं। दी चपाती आर वेरी टेस्टी, ये चपातियाँ बहुत ही स्वादिष्ट होती हैं। पीपल इन पंजाब, पंजाब के अंदर हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश, पंजाब हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे क्या करते हैं, ईट मक्की की रोटी विद ग्रेट रेलिश, मक्की की रोटी बड़े ही चाव के साथ लोग खाते हैं। दे ऑल्सो लव टू ईट रोस्टेड, लोग इसे क्या करते हैं पकाकर, तंदूर के ऊपर भी पकाकर इन मक्कियों को खाते हैं। कॉर्न ऑन द कॉब, मक्की की छल्ली, मक्की को बेटे क्या करते हैं हम पकाकर भी भूनकर भी खा सकते हैं। हैव यू एवर टेस्टेड इट, आपने ज़रूर खाई होगी बेटे मक्की की, जो मक्की होती है भुनी हुई मक्की खाई होगी ना बेटे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हाउ डज वीट ग्रो, हम वीट, वीट कहते हैं बेटे गेहूँ, गेहूँ को कैसे उगाते हैं। वीट इज़ प्लांटेड इन बिग फील्ड, जो गेहूँ होती है वो भी बड़े खेतों में उगाई जाती है। फार्मर्स इन इंडिया, इंडिया के अंदर डिपेंड ऑन रेन्स टू वाटर देयर वीट क्रॉप, इंडिया के अंदर जो फार्मर हैं वो अपनी वीट गेहूं की फसल को पानी के लिए क्या होती हैं बारिश के ऊपर डिपेंड होती हैं, बारिश के ऊपर निर्भर करते हैं। व्हेन देयर आर नो रेन्स, जब बारिश नहीं आती, दे हैव टू इरीगेट देयर फील्ड्स विद वाटर फ्रॉम वेल्स एंड कैनल्स, वो क्या करते हैं सॉरी अगर बारिश नहीं आती तो हम इरीगेट सिंचाई के लिए देयर फील्ड्स, जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं वाटर फ्रॉम वेल्स, कुओं से पानी लगाते हैं, एंड कैनल्स और किससे के लगाते हैं नहरों से, बेटे नलकूपों से हम लगाते हैं ना अपने गेहूं के खेत में पानी, तो वही बात कह रहा है। द वीट प्लांट हैज़ अ थिन स्टॉक, जो वीट का पौधा होता है गेहूं का पौधा होता है उसका एक पतला सा तना होता है। ग्रेन ऑफ वीट ग्रो इन ए हेड एट द एंड ऑफ द स्टॉल, जो वीट का अनाज होता है ग्रो इन ए हेड, वो हेड पे सिरे पे एट द एंड ऑफ द स्टॉल, तने के बिल्कुल सिरे के ऊपर लगता है। वी कॉल इट इन द ईयर ऑल्सो, हम इसे उसका ईयर भी बोलते हैं, उसका कान भी बोलते हैं। व्हेन द प्लांट्स आर यंग, जब पौधे छोटे होते हैं, दे आर ग्रीन इन कलर, हरे रंग में होते हैं, दे लुक वेरी लवली व्हेन दे स्वे इन द ब्रीज, ये बहुत ही प्यारे दिखते हैं। व्हेन स्वे इन द ब्रीज, जब ठंडी ठंडी मंद पवन चलती है ना बेटे, उसके अंदर ये स्वे झूलते हैं, ये बहुत ही प्यारे लगते हैं। व्हेन द प्लांट्स आर राइप, जब ये पौधे प्लांट्स पौधे बड़े हो जाते हैं और पक जाते हैं, दे टर्न गोल्डन ब्राउन, तो ये भी कैसे हो जाते हैं गोल्डन, सुनहरी ब्राउन रंग के हो जाते हैं, भूरे रंग के हो जाते हैं। वी कैन मेक मैनी थिंग्स फ्रॉम वीट, हम वीट से भी कई सारी चीज़ें बना सकते हैं। फैमिलीज इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया ईट वीट फॉर ऑलमोस्ट ऑल देयर मील्स, तो इंडिया के अंदर जो मोस्ट ऑफ लोग हैं वो क्या करते हैं ज़्यादातर क्या जो गेहूं होता है हर एक खाने में खाते हैं, सुबह भी खाते हैं, दोपहर को भी और रात को भी, ठीक है बेटे। ये हमने अपना लेसन रीड कर लिया, आगे हम क्या करेंगे डिक्टेशन, वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर। तो आप इस लेसन को अच्छे से बार बार इस वीडियो को देख के समझोगे और इस चीज़ को लर्न करोगे, ठीक है बेटे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।